IVF ट्रीटमेंट करने के लिए पूरा 3 महीना लगता है, उसकी ऊपर नहीं जाता है। वो IVF ट्रीटमेंट में फर्स्ट पार्ट हम लोग ओवन पिकअप कर लिया और उसके बाद एम्ब्रियोस फ्रीज कर लिया, मतलब उन लोग को एम्ब्रियोस तैयार हो गया। और उसके बाद हम लोग उन लोग को क्या करते हैं और तभी बुलाते हैं, और 2 महीना के बाद ओवम पिकअप करने की, 2 महीना के बाद हम लोग उन लोग को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सो एम्ब्रियो ट्रांसफर्स में उन लोग को प्रिपेयर करके हॉर्मोन्स दे के और 18 डे से 22nd डे तक हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद बहुत सारा पेशेंट को मन में हमेशा एक संदेह होते रहता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद उन लोग को कितना दिन रहना पड़ता है और कितना दिन आराम करना पड़ता है। सो हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद 48 आवर्स आराम करने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद उन लोग वॉक कर सकते हैं, उन लोग का खुद का एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हम लोग स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट नहीं बोलते हैं। सो एम्ब्रियो ट्रांसफर्स करने की बाद 15 दिन के बाद हम लोग एक बार ब्लड टेस्ट दे के उन लोग पॉजिटिव है कि नहीं वो पता चलता है। सो बीटा HCG टेस्ट करने के बाद उन लोग प्रेग्नेंट हो गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब 15 दिन के बाद, और फिर बुलाते हैं स्कैन करने के लिए। स्कैन में कितना बच्चा है, ट्विंस है, सिंगलटन है, और उन लोग का हार्ट भी कैसे है और ग्रोथ कैसे है वो सब पता चलता है। और उसके बाद उन लोग को प्रेगनेंसी फॉलोअप होता है। सब सारा पेशेंट को एक संदेह हमेशा होते रहता है, वो प्रेगनेंसी होने के बाद डिलीवरी हो गया उसके बाद कितना दिन हम लोग को रेस्ट में रहना पड़ता है, हम लोग का नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि नहीं, और रिज्यूम हो सकता है क्या नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने के लिए, ये होता है। सी IVF ट्रीटमेंट से हम लोग को डिलीवरी हो गया, मतलब उसके बाद दे कैन बी नॉर्मल। सो उन लोग को आराम करने का ज़रूरत नहीं है। सो 3-4 दिन रेस्ट, कम से कम 10 दिन के बाद उन लोग आपका एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और वॉकिंग भी जा सकते हैं, और बहुत सारा स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ हम लोग नहीं बोलते, एक्सरसाइज नहीं बोलते, लेकिन उन लोग वॉकिंग कर सकते हैं, अपना एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बहुत सारा पेशेंट्स क्या करते हैं, वो डिलीवरी हो गया, हम लोग IVF ट्रीटमेंट से सेक्शन हो गया और डिलीवरी हो गया, उसके बाद हम लोग वॉक नहीं कर सकते और हम लोग का काम नहीं कर सकते, ऐसे बोल के बहुत सारा पेशेंट OBC भी हो जाता है। सो इसके लिए हम लोग बोलते हैं IVF ट्रीटमेंट की बात और सेक्शन डिलीवरी करने के बाद उन लोग को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, वो अपना एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और उन लोग का खुद का एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं। और सेकेंड डिलीवरी उन लोग को तभी चाहिए, मतलब उस टाइम में उन लोग को कंपलसरी IVF ही चाहिए, ऐसे हम लोग नहीं बोलते। कभी कभी पेशेंट 2-3 साल के बाद अपने आप से नेचुरल से भी प्रेग्नेंट हो जाता है और ट्यूब्स नॉर्मल है और उन लोग का कुछ कुछ प्रॉब्लम है, मतलब वो नेचुरल ट्रीटमेंट में भी उन लोग नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकता है और वो प्रेगनेंसी भी उन लोग नॉर्मल जैसा फॉलोअप कर सकते हैं। और कोई कोई पेशेंट को ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, मतलब उन लोग को सेकेंड सेट एम्ब्रियोस है, मतलब 2-3 साल के बाद वापस आके IVF एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उस सेकेंड टाइम जाने के लिए उन लोग को ओवम पिकअप वो सब सारा प्रोसीजर बहुत शुरू से करने का ज़रूरत नहीं है, उन लोग डायरेक्टली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, सेकेंड सेट ऑफ एम्ब्रियोस कितना एम्ब्रियोस है उससे जाके वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके बाद उन लोग वापस प्रेग्नेंट भी हो सकता है।